गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज आप अपने सामने देख रहे हो हमारे फ्रेम में खड़ी है वेन्यू, जो कि है 1.2 लीटर वाला जो इंजन स्पेक्स इसका आता है और पेट्रोल है भाई ये, ठीक है। और बात करोगे तो बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है। तो भाई आज हम कोई ओनरशिप रिव्यू नहीं देख रहे, और भाई आप जो थंबनेल देखकर आए हो जो कि हमारी न्यू कार की डिलीवरी थी, तो वो ही है भाई ये गाड़ी अपनी। और आज हम इसकी देखोगे ना तो थोड़ी कई दिनों बाद अपनी वीडियो बना रहे हैं। कम से कम भाई इस गाड़ी को महीना भर हो गया, महीने भर में भाई हमने इसकी प्रॉपर अच्छे से हाईवे पे चाहे अपना लोकल में हर जगह से टेस्टिंग कर दी, तब जाके भाई मैं आज आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि भाई ये गाड़ी कैसी कुछ है, अगर आप भाई लेना चाहते हो तो कैसा कुछ ऑप्शन है, अगर जिसको भाई पेट्रोल में जाना है। अगर भाई जिसकी सीएनजी वगैरह की बात है तो भाई वो अपना ब्रेज़ा पे ही स्विच होए, जो कि आपकी एक ही सेगमेंट में, इस सेगमेंट में ना सीएनजी में जो गाड़ी आ रही है वो ब्रेज़ा ही है अपनी। और बाकी हमें पेट्रोल चाहिए था, हमें भाई अपनी सीएनजी वगैरह की नीड नहीं थी, ठीक है। तो भाई अब हमारे पास वैगनर थी, वैगनर से थोड़ा स्विच हुए हैं इस पर, तो वैगनर भी है अभी, और साथ के साथ ये भी गाड़ी अपने पास एड ऑन हुई है जिसमें भाई हम मोड्स वगैरह करेंगे इसके अंदर, जो आप बात कर रहे हो ना, तो प्रॉपर अलॉय व्हील्स वगैरह से अपग्रेडेड करेंगे इसके अंदर। और अभी शीशे वगैरह देख रहे हो तो ब्लैक हो ही चुके होंगे, ठीक है। तो अभी कोई काम वैसे लगभग हुआ नहीं है, बस अपना शीशे वगैरह ब्लैक हुए हैं थोड़ा, और डोर वाइजर वगैरह जो बेसिक नीड थी तो ये तो भाई अपने स्टोर पर ऐसी अवेलेबल होती है, तो ये हमने ऐसी लगा दी। अब भाई पहले आप जाओ डिलीवरी का ब्लॉग देख के आओ, कैसा कुछ अपना क्या कुछ डिलीवरी हुई, कैसे हमने अपनी इंस्पेक्शन करी जो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होती है, तो वो भी अपना कैसा कुछ लगी, तो एक बार वो देख कर आओ, फिर उसके बाद हम क्लिप स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला कि क्यों ली, कैसी है गाड़ी, कैसी चलने में है, क्या कुछ इसके स्पेक्स वगैरह हैं, तो आओ एक बार फिर उसके बाद। बाकी भाई इधर देख सकते हो अपना भाई पेपर वर्क चल रहा था, जो भी एंड का पेपर वर्क रहता है गाड़ी का वो सब ये बंदे कर रहे थे, यूनिटी हुंडई से हमने गाड़ी ली थी। बाकी इधर देख सकते हो कैसा कुछ इनका माहौल रहता है, हॉस्पिटैलिटी रहती है। इधर भाई अपनी वरना खड़ी थी टॉप एंड वेरियंट, देख सकते हो ब्लैक में भाई ये भी अपनी अच्छी लगती है। बाकी गाड़ी आपने देख ली होगी, बाकी नीचे चल के मैं आपको ना शोरूम में नीचे एक बार ना उसमें दिखाऊंगा यार्ड में कैसी खड़ी रहती है, बाकी और भी गाड़ी खड़ी रहती है। इधर भाई अपन देख सकते हो क्रेटा खड़ी है, इनकी जो नई लॉन्च होनी है वो भी यहाँ पे इनकी वो हो रही है ब्रांडिंग इकोनिस जो भी हो रही है। बाकी नीचे चलते हैं एक बार, मैं आपको नीचे गाड़ी चल के दिखाता हूँ क्या कुछ रहता है। अब भाई अपना सारा ऊपर का पेपर वर्क सब कंप्लीट हो गया था, बाकी भाई नीचे अपना गाड़ी दिखाने लाया हूँ, तो नीचे अपना देख सकते हो भाई क्या कुछ अपनी गाड़ी है। ये भाई अपना देख रहे हो ब्लैक बीस्ट, बाकी आप लोग देख सकते हो क्या कुछ लग रहा है भाई अपनी। तो पहली गाड़ी तो वेन्यू एस मॉडल है ये, बाकी इसके बगल में खड़ा हुआ वो ये वेन्यू एस ऑप्शन है, जिसमें भाई अपना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, 1 लाख का फर्क रहता है उसमें, आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं मिलती। पीछे टेल लाइट कनेक्टेड मिल जाती है, आगे हेडलाइट आपकी DRL और उसमें मिल जाती है वाइट लाइट, और अंदर भाई और कुछ नहीं आता, बाकी फोल्डेबल मिरर आ जाती है, बाकी और कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है। बाकी इतना भाई मेरे को इतना खर्चा करना ही था, नॉर्मल अपनी गाड़ी दिख रही है आपको, देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई अपना। तो भाई आपको पता है एसेसरी का काम है, सारा कुछ अपना हो जाना है इसमें भाई, जो भी काम है। बाकी अंदर से लेके चलूँ तो अपना गाड़ी में क्या कुछ मिल जाता है, तो अपना देख सकते हो। बाकी ऐसी कुछ अपनी लुक है अपना भाई, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले सब कुछ इसमें मतलब इनबिल्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाहर से कोई छिड़वाना नहीं। 4 स्पीकर 2 ट्विटर पीछे अपना देख सकते हो कैसा कंफर्ट मिल जाता है। आगे भाई अपनी सीट फैब्रिक की मिल जाती है सफ़ेद कलर में, बाकी भाई मेरे को गाड़ी पर्सनली इतनी बढ़िया लगी थी चॉइस में। बाकी सारे भाई खड़े हैं, डिलीवरी हो जाने दो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब भाई अपना डिलीवरी का टाइम आ गया, बाकी अपना देख रहे थे ना नीचे अपने, मैंने आपको PDA करते हुए दिखाई थी, वो भी अपनी भाई सारी PDA डन हो गई थी, जो भी भाई अपना छोटा मोटा डेंट वेंट होता है वो सब हमने देखना होता है, वो चीज़ हमने देख ली। बाकी यूनिटी हुंडई से गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी आपने देख ली ये वाली है हुंडई अपनी वेन्यू एस मॉडल, डार्क क्रोम देख रहे हो भाई इसका कितना बढ़िया लगता है ग्रिल का। बाकी भाई मैं आपको साइड का लुक चेक करा दूँ, आप बोलोगे कि साइड का लुक तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी बात रही आप बोलोगे 15 इंची टायर है छोटे टायर, तो वो चीज़ अपने भाई डलवाने हैं अलॉय, उसका मैं आपको दिखा दूँगा अलॉय का भी सारा कुछ, वीडियो आपको आएगी इंस्टाग्राम वो चैनल पे बने रहो, यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी। बाकी पीछे से अपना लुक देख सकते हो, आगे साइड से इधर से दिखाऊँ तो भाई अपना ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी इधर फ्री का बोलो क्या कुछ दिया है कंपनी ने, तो अपना भाई ये चीज़ मड गार्ड देख रहे हो ना ये पीछे, ये चीज़ चारों अपने को फ्री और मैट, और ये मैं आपको अंदर दिखा दूँ तो एक भगवान की मूर्ति ये वाली नीचे जो पड़ी है। बाकी ये चीज़ आपका ये परफ्यूम मिल जाएगा फ्री, बाकी और कुछ नहीं देती कंपनी वाले, और हमने कोई आफ्टर एसेसरी नहीं ली कंपनी से, जो भी आप बोलोगे ना क्रोम व्रोम हैंडल क्रोम या कुछ हमें कोई जरूरत नहीं है भाई, क्रोम हमें लगाना ही नहीं है, गाड़ी को पूरी जेट ब्लैक बनानी है, मतलब भाई ब्लैक में इतनी प्रयास लगती है ना जो भी कुछ हो। बाकी पीछे से अपना लुक देख सकते हो, बाकी भाई डिलीवरी लेते हैं उसके बाद चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सारा लुक क्या कुछ रहता है, क्योंकि भाई अब यहाँ पर ना बनाने वीडियो दे नहीं रहे ये लोग, तो ज़्यादा कुछ नहीं बना सकते। बाकी चलते हैं बाद में दिखाता हूँ मैं, होप कर रहा हूँ कि आपने डिलीवरी वाला व्लॉग देख लिया होगा जो भी आपका डिलीवरी वाली क्लिप है। तो साथ के साथ अब भाई इसी वीडियो में करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, ठीक है, कि भाई अलग अलग सीरीज़ आ रही हैं, तो भाई अभी इसमें ही बताता हूँ कैसी कुछ गाड़ी है, क्या कुछ इसमें स्पेसिफिकेशन वगैरह आती है। तो भाई सबसे पहली बात बताऊँ हुंडई की, भाई वेन्यू है अपना
जो बेस मॉडल आता है, बेस मॉडल से एक ऊपर वाला मॉडल है, ठीक है, जिसमें कि अपनी जो हमें बेसिक नीड्स चाहिए थी वो हो जाती है हमारी। भाई जब हम गाड़ी लेने गए थे तो कुछ कुछ डिमांड थी जो कि भाई मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले अभी आप इसमें देख रहे हो तो ऐसी कुछ अपनी इसकी फ्लिप की आ जाती है, जिसमें भाई अनलॉक, लॉक और बूट ओपनिंग का अपना ऑप्शन है। तो भाई यहाँ से अभी अपना अनलॉक कर लेते हैं गाड़ी को, और साथ के साथ दिखाऊँ तो अभी गाड़ी में वैसा कुछ हुआ नहीं है। 15 इंचेस के अपने टायर्स आ जाते हैं, जिसको भाई हम अपग्रेड करेंगे, चाहे 17 में करें चाहे 18 इंची में करें। तो भाई बहुत जल्द इसका अपने महीने भर में इसके टायर्स भी अपग्रेड हो जाएंगे, क्योंकि नए टायर्स हैं उसी में ही हम अपग्रेड करेंगे। तो भाई अभी साथ के साथ आपको दिखा दूँ, तो भाई गाड़ी देख लो अभी तो प्रॉपर अभी नई कंडीशन में, थोड़ी गाड़ी पर धूल वगैरह हो रखी है, तो भाई रोड पर चलेगी, ब्लैक कलर वैसी है तो धूल वगैरह होती है। भाई PPF मेन बात इस पर, भाई PPF करानी पड़ेगी, ब्लैक कलर ले तो लिया पर भाई मेंटेनेंस इसकी बहुत ज़्यादा वो चीज़ है, ठीक है। तो अभी बात करोगे तो ये चीज़ मैं दिखाऊँ, एक भाई ऊपर वाला मॉडल आता है, तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं आपको कि फ्रंट से कैसा कुछ क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। तो टॉप मॉडल की बात करें, सेम ग्रिल आती है इसके अंदर, ठीक है, ऐसी कुछ अपनी इसके अंदर ग्रिल आती है। तो भाई ग्रिल मेरे को बहुत अच्छी लगती है, डार्क क्रोम है अपना इसके अंदर, ये चीज़ बात करोगे तो। और ऊपर अपना ऐसी कुछ रिफ्लेक्टर आ जाता है जिसके अंदर इंडिकेटर का ऑप्शन होता है, तो ये चीज़ आती है अंदर। भाई इसमें जो बात करोगे ना, टॉप मॉडल में हेडलाइट्स आ जाती हैं जो कि प्रोजेक्टर्स वाला होता है, तो वो तो भाई हमारे पे स्टोर पे अपने पास अवेलेबल है, तो वो भाई प्रोजेक्टर वाली इसके अंदर हम लगा देंगे, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और सामने से और कोई भाई मैं कह दूं, अगर इसके अंदर वो लगा देना सामने से टॉप मॉडल वाली हेडलाइट्स, तो कोई नहीं पहचान पाएगा। साइड से बात करें तो भाई इंडिकेटर फेंडर पे आ गया, तो भाई ये ठीक है, ये चीज़ हो जाती है, कल को PPF करेंगे ना तो इसका भी जुगाड़ कर देंगे, फेंडर पे से इंडिकेटर हटा देंगे, ठीक है। और नीचे बात करोगे अलॉय व्हील्स के, तो भाई वो हम आफ्टर मार्केट डालते हैं, आपको पता ही है। बाकी ऊपर देख रहे हो तो रूफ रेल्स वगैरह इस अपने वेरिएंट में मिली जाती है, शीशे वगैरह अभी ने थोड़े ब्लैक कर दिए। मैं भाई अभी आपको नहीं रिकमेंड करता कि भाई शीशे वगैरह ब्लैक करो, पर ये भाई अपनी अपनी नीड है कि अगर आपको करने हैं तो भाई कर सकते हो बिल्कुल। पीछे से बात करोगे तो पीछे से अगर टॉप मॉडल में जो हमारा फ़र्क था, तो ये कनेक्टिंग लैम्प का था, इसके अंदर नहीं आती कनेक्टिंग टेल लाइट, पर भाई ये जो बीच वाला पोर्शन है ना ये चेंज कर देते हैं, ये अगर चेंज कर दें तो ये भी चेंज करेंगे इन फ्यूचर, इसको चेंज कर देंगे तो कनेक्टिंग अपनी टेल लाइट्स वगैरह आ जाएगी। बाकी पीछे दो पार्किंग सेंसर्स वगैरह, यही कुछ अपना बाहर से मोटा मोटा जो फ़र्क आता है। और भाई उसके बाद करोगे तो 2 लाख रुपये बढ़ जाते हैं, जो कि आप कनेक्टिंग टेल लैम्प्स, आगे हेडलाइट्स, ठीक है, और अलॉय व्हील्स वगैरह, जो कि 16 इंच के टायर हैं, तो वो तो भाई हम वैसे ही अपग्रेड कर देंगे। अब ले चलूँ गाड़ी में, गाड़ी में दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर हो जाती हैं। तो भाई चारों पावर विंडो अपनी मिल रही है, डोर पैनल वगैरह पे बात करोगे अच्छा खासा भाई म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है इसमें, जिसको भाई अपना कुछ अपग्रेड नहीं करना उसके लिए बेस्ट है ये। अब भाई मैं बताता हूँ, मेन हमें चाहिए था कि भाई ये कंपनी वाला स्टीरियो मिल जाए, ये चीज़ अपनी इन्फो जो आप ये मीटर की बात करोगे ना, ये अपना बढ़िया वाला मिल जाए, तो ये चीज़ आप देख रहे हो इसके अंदर ऐसा कुछ मीटर आता है, तो ये चीज़ देख लो। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल गए, क्रूज कंट्रोल वगैरह इसमें नहीं है, तो भाई ये चीज़ देख लो, कंपनी वाला अपना ये मॉडल है, ठीक है, जो कि आप बात करोगे हमें ये चीज़ चाहिए थी भाई, ये चीज़ ना हम एंड्रॉयड वगैरह जो बाहर के चाइनीज़ होते हैं वो नहीं लगानी थी इस बार, ये चीज़ हमें कंपनी से चाहिए थी, क्योंकि भाई हम एप्पल कारप्ले वगैरह थोड़ा यूज़ करते हैं ज़्यादा ही, तो वो चीज़ हमें चाहिए थी। और बात करोगे सीट कवर वगैरह, तो इसमें सीट कवर वगैरह वाई डलवाई लेंगे, टॉप मॉडल में अपने सीट कवर वगैरह वैसे भी जो अपना सेमी लेदर ही डालते हैं कि साइड में लेदर्स और बीच में वो, तो प्रॉपर लेदर ही डाल देंगे हम इसके अंदर, वो भी अपने पास स्टोर पे अवेलेबल है। आर्मरेस्ट वगैरह इसके अंदर देख ही रहे हो, पहले से ही मिल जाता है सारी चीज़ें। ये गियर नॉब आता है भाई, ये चेंज कर देंगे, ये वो जो टॉप मॉडल वाला आता है वो लगवा लेंगे। और साथ के साथ बात करोगे डैशबोर्ड देख लो, वही अपना डैशबोर्ड जो टॉप मॉडल में आता है, तो इतनी कोई हमें नहीं थी। बाकी सनग्लास होल्डर वगैरह भी इसके अंदर लगाएंगे, अभी सनरूफ नहीं थी, तो सनरूफ हमें उतनी खल भी नहीं रही थी, क्योंकि भाई 3-4 लाख रुपये काम का बढ़ते, उससे बढ़िया भाई अपना यहाँ पर यही चीज़ ऑप्शन बेस्ट है। और पीछे सीट वगैरह की बात करोगे तो ये भाई अपने हेडरेस जो है वो अपने मिली जाएंगे आपको एडजस्टेबल वाले, बाकी पीछे इसमें पार्शियल ट्रे भी अपना लगा लेंगे। तो ये भाई बेसिक चीज़ें थी जो कि अपनी टॉप मॉडल से इस वाले मॉडल में अलग थी, तो भाई इतना ब्यूरेबल होता है, ये सब बाहर से हो जाती है। और बात करोगे ये सॉकेट वगैरह सारा कुछ इसके अंदर मिली जाता है, पीछे एसी वेंट्स की बात करोगे ये अपनी सारी चीज़ें मिली जाती हैं, तो इसलिए भाई हमने ये गाड़ी ली, ठीक है, और प्रॉपर प्लान करी। और पेट्रोल वगैरह की अगर बात करोगे ना, तो पेट्रोल में इसकी माइलेज भी अच्छी खासी है, ऐसी बात नहीं है, 18-19 तो भाई हाईवे पे देती है, 20 तक भी दे रही है, और उसके बाद बात करोगे अपना सिटी में तो 13-14 दे देती है, 15 भी दे देती है, 16 भी निकाल के देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना ही हमें चाहिए था। अब भाई मेन हमको CNG पे इस बार नहीं जाना था, ठीक है, हमारी भाई वैगनर भी बात करोगे तो वो भी पेट्रोल है, तो पेट्रोल की हमें आदत हो रखी है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह इसमें सारा कुछ मिल जा रहा है, TPS वगैरह इसमें भाई अपना इसी मॉडल से मिल जाते हैं,
तो यही चीज़ें थी जो कि भाई हमें ब्रेज़ा पे नहीं जाना था, क्योंकि 10 लाख रुपए की ब्रेज़ा पड़ रही थी और उसका बेस मॉडल आ रहा था, पर भाई उसमें यही बात है कि सिस्टम वगैरह पूरा कंपनी का नहीं आता, हमें भाई कंपनी वाला सिस्टम वगैरह चाहिए था। तो यही मारे हमने भाई ये गाड़ी ली, ठीक है, सारे फीचर्स भी ऑफर हो गए, अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी भी ऑफर होगी। अब दिखाता हूँ भाई मारुति वाली चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखोगे ना तो वैसे ब्रेज़ा ऐसी बात नहीं कर रहा मैं, ब्रेज़ा भाई फोर रेटेड गाड़ी है, 4-स्टार रेटेड। अब इसमें भाई डोर वगैरह देख लो तो भाई हैवी फील होते हैं, ये चीज़ ना यही चीज़ चाहिए थी कि थोड़ा अब इस बार प्रीमियमनेस चाहिए था, मारुति में ना वो चीज़ नहीं आ पाती प्रीमियमनेस वाली। तो भाई अब इसमें भाई जब हम डालेंगे ना अलॉय व्हील्स वगैरह तब उसके बाद लुक देखना और भाई बताना कैसी कुछ अपनी गाड़ी लग रही है। और भाई भाई को कमेंट सेक्शन में ना कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह अगर डाल सक रहे हो तो भाई बहुत बढ़िया है, बाकी साथ के साथ बने रहो। अब इस गाड़ी में भी पूरी सीरीज चालू होगी इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह की, जैसे कि भाई आपने हमारी गाड़ियों में देखा ही है प्रॉपर बेसिक और सोबर मॉडिफिकेशन होती है जो कि हर बंदा लगवा ले, तो वैसे इसमें भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। भाई अगर कोई गाड़ी लेना चाह रहा है ना, चाहे प्लान कर रहा है वेन्यू का, तो भाई बेस्ट गाड़ी है ले लो आज ही, ठीक है, वैसी कोई दिक्कत नहीं। अगर पेट्रोल में लेनी है तो CNG वगैरह लेनी है तो ब्रेज़ा पे जाओ, वैसे भाई बेस्ट है अपने ये पास ये गाड़ी, और फीचर्स वगैरह सारी ऑफर हो जाते हैं इसके अंदर, इसलिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये। और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, जब तक लाइक करना वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताना जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगेगी, बाकी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और भाई वीडियो पे प्यार दिखाओ, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।